हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, तो आज हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और जितने भी थ्योरी पार्ट है आज हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ क्या है, यहाँ 1-1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी इसमें 1 ऐड किया, 2 लिख दिया, इसमें 1 ऐड किया, 3 लिख दिया, इसमें 1 ऐड किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये किसमें है? ये एपी में है, ठीक है। और ये जो हमारा फिक्स नंबर है, ये जो हमारा फिक्स नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म इन एपी। यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी दो कंजुगेटिव टर्म होगा, द डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म, यानी दो लगातार जो टर्म होगा उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, देन एपी इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा एपी। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, यानी ये जो डिफरेंस है दो नंबरों के बीच में, तो वो अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा एपी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर सीडी जो है कॉमन डिफरेंस इज जीरो, अगर सीडी कॉमन डिफरेंस जीरो आएगा देन एपी क्या है? एपी इज कॉन्स्टेंट। सीडी इज जीरो देन एपी इज कॉन्स्टेंट। अगर सीडी जो है हमारा सीडी इज निगेटिव, तो अगर आपका कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा देन एपी क्या कर रहा है? एपी ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है, एपी इज डिक्रीजिंग। तो इसमें हमने पढ़ा है अभी तक, तो एक्चुअली हमने दो टर्म पढ़े, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच इज ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर्स टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं, उससे हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। और वो जो फिक्स नंबर होता है, दैट फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस व्हाट इज? द डिफरेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव टर्म इन एपी। एपी में दो कंजुगेटिव टर्म के जो डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो एपी हमारा इंक्रीज कर रहा है, एपी इज इंक्रीजिंग। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जीरो है देन एपी इज कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, ठीक है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस निगेटिव जा रहा है देन एपी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखा है, अब इस टर्म को देखते हैं। देखो 100, 150, 200, 250, 300, 350, तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली? ये हमारा टर्म जो है कॉमन डिफरेंस में कितने का है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंजुगेटिव, दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 50, फिर इसमें भी 50, तो इसमें 100 में 50 ऐड किया, 150, फिर इसमें 50 ऐड किया, फिर इसमें 50 ऐड किया, फिर 50 ऐड किया, फिर 50 ऐड किया, और इसका नेक्स्ट टर्म जो है सो हम लोग लिख सकते हैं 400, नेक्स्ट लिख सकते हैं 450। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये 50-50 ऐड करते जाओ और ये आपका नेक्स्ट टर्म आता रहेगा, लेकिन कितना टर्म आएगा ये तो नहीं पता, आप 50 ऐड करते रहो आता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, क्योंकि यहां पे टर्म क्या है? इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, हमारा एपी जो है इस केस में हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इस केस में क्या है कि यहां पे 100 है, फिर 50 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -50 हो गया, फिर -100 हो गया,
यानी कहने का मतलब 50 माइनस कर माइनस हुआ है, तो ये जो है आप इसमें से फिर 50 माइनस करते जाइए, माइनस 150 फिर माइनस 200, यानी कहने का मतलब ये भी हमारा क्या है इनफाइनाइट एपी है, यानी इसमें भी हमको टर्म का पता नहीं है कि ये टर्म कितना टर्म होगा इसमें, और लेकिन एपी क्या है यहाँ पे एपी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एपी हमारा क्या कर रहा है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस टर्म में देखते हैं इस टर्म में क्या हो रहा है, यहां भी ये इनफाइनाइट है क्योंकि हमें टर्म नहीं पता है इसमें कितना टर्म आएगा ये हमें नहीं पता, और ये भी क्या है हमारा एपी क्या है हमारा ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि एपी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है प्लस का तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस का आ रहा है 50 तो ये हमारा जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं अब ये क्या है कि 258 और यहां पे क्या है 38, लास्ट टर्म हमारा क्या है 38, तो यहां पे क्या है हमें पता चल रहा है मतलब लास्ट टर्म का हमें पता है, यानी इसमें डेफिनेट टर्म है, यहाँ पे जो एल की वैल्यू है जो लास्ट टर्म है वो मुझे पता है कि हमें कहाँ जाके रुकना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है फिर 3 ऐड करना है फिर 3 ऐड करना है जाके 38 पे रुक जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। वैसे इसमें एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ भी क्या है 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 200 पे जाके रुक जाना है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग फाइनाइट एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, इसमें एपी का जनरल टर्म क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि nth टर्म क्या होता है एक एपी का, nth टर्म जो है एक एपी का क्या होता है। चलो हमारा एपी का टर्म क्या होगा, a1 a2 a3 a4 a5 ये करते करते an तक, अब ये an क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं कि हम क्या हुआ कि मंदिर चले, ठीक है मंदिर चले तो कुछ वहां पे प्रसादी हमें तो देना ही है, तो हमने क्या करा कि एक लड्डू लिया और सीधे मतलब पहुंचा मंदिर, ठीक है A1। तो पंडित जी ने क्या करा कि सिर्फ और सिर्फ हमें आशीर्वाद मिला, ठीक है वापस जो है अगर एक लड्डू लेके गया तो वो क्या किए एक लड्डू वो वापस रख लिए और सिर्फ हमें क्या मिला आशीर्वाद मिला जीते रहे बच्चों, और हम लोग 2 लड्डू लेके पहुंचे, ठीक है अब हमने क्या करा 2 लड्डू लेके पहुंचा तो हमें आशीर्वाद मिला और साथ में वापस करके एक लड्डू उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। अब अगर हम 3 लड्डू लेके गए आशीर्वाद तो सब में मिलेगा भाई, और प्लस में कितना लड्डू वापस करेंगे वो, अभी हम 3 लेके जा रहे हैं तो 2 वापस किया उन्होंने, ठीक है अगर 4 लड्डू लेके मैं पहुंचूंगा तो क्या करेगा आशीर्वाद तो देंगे ही और उसके बाद कितना लड्डू वापस करेंगे मुझे 3D यानी 3 लड्डू वापस करेंगे, ऐसे करते करते अगर मैं n लड्डू लेके पहुंचूंगा तो वो क्या करेंगे आशीर्वाद तो देंगे ही, ठीक है और आशीर्वाद तो देंगे ही प्लस में वापस कितना लड्डू करेंगे n लेके गया हूं तो उनका आदत क्या है एक लड्डू रख लेते हैं अपने पास तो यानी n-1 और बाकी लड्डू दे दिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये है हमारा nth टर्म कोई भी एपी का, तो nth टर्म क्या होगा कि a प्लस n-1 इनटू d। अब जो है nth टर्म मतलब सीधा कि यहां पे a क्या है a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है हमारा a, ठीक है n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है और d क्या हो गया d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, और अगर मैं इस कोई इस केस में अगर मैं d को फाइंड आउट करूं तो क्या होगा a2 माइनस a1 या आप बात कर लो a3 माइनस a2 या बात कर लो आप a4 माइनस a3
यानी कहने का मतलब है कि कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है डेट इज आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सा भी टर्म अगर पूछे, अगर मुझे 18th टर्म पूछता है तो आशीर्वाद मिलेगा। यानी 18th टर्म मतलब 18 लड्डू लेके पहुंचे हो आप मंदिर, तो यानी आशीर्वाद मिलेगा। अगर हमें 18 लड्डू लेके पहुंचा हुआ हूँ तो मतलब क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और 18 में से एक लड्डू रख लेंगे, 17 भी वापस कर लेंगे बस, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है, बाकी हमें कोई सा भी टर्म बोले तो वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पे तीनों क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा सीरीज है -5, -1, -3, -7 और यहाँ से हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है कि 100 टर्म इस सीरीज का 100 टर्म क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, an = a + n - 1 × d, ये पढ़ा है। हम क्या है, n की जगह पे यहाँ पे क्या है 100, तो यानी a100 = a + 99d लिख सकते हो आप, 99d। तो a की वैल्यू कितनी है, a कितना है -5 और d कितना है -1 - -5, यानी कहने का मतलब है ये मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये है माइनस फर्स्ट टर्म है -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा d 4, तो d की वैल्यू हमारी 4 है। a कितना है, a है -5 + 99 × d, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा -5 + ये हो जाएगा 396, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 391। तो यानी इस सीरीज का जो 100th टर्म होगा वो होगा 391। डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें एक पता है, डी पता है, 100 टर्म बोल रहा है यानी 100 लड्डू लेके जाएंगे, तो ए प्लस 99 डी, वो एक निकाल के वापस कर देंगे और ए और डी की वैल्यू पुट कर दो बस आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द 12th, 24th and nth term ऑफ AP गिवन बाय 9, 13, 17, 25। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, 12th टर्म पूछ रहा है, 24th टर्म पूछ रहा है और nth टर्म पूछ रहा है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, इसमें a की वैल्यू है 9 और हमारा d है 13 - 9 = 4, तो d a की वैल्यू हमें पता चल गया, 9 d की वैल्यू हमें पता चल गया, तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म। तो 12th टर्म क्या होता है, a12 = a + 11d, ठीक है, यानी n - 1 × d, तो यानी a 9 + 11 × d, हाउ मच 4, यानी 9 + 44, ये कितना आ गया 53। तो 11th टर्म कितना आ गया 53। अब हमें अगर 24th टर्म निकालनी है, 24th टर्म क्या हो जाएगा कि a + 23d, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 9 + 23 × 4, ठीक है, यानी 9 + 92, तो ये हो जाएगा आपको 101। यानी कहने का मतलब है कि 24th टर्म निकालना है, यानी a + 23d, 9 + 23d की वैल्यू हमें पता है। अब क्या निकालना है हमें, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a + n - 1 × d, यही होता है ना। तो nth टर्म है, a जो है, a की वैल्यू मेरी कितनी है, a है हमारा 9 + n - 1 × d, d की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया 9 + 4n - 4, तो जो हमारा an यानी nth टर्म हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा 4n+5। ये है हमारा इस सीरीज का nth टर्म, ये है हमारा 12th टर्म और ये है हमारा 24th टर्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम बात करते हैं सम ऑफ टर्म्स इन एपी, यानी एपी में सारे टर्म को सम कैसे करते हैं। जैसे अगर एपी की टर्म की मैं बात करूं तो एपी का टर्म क्या होता है, a+d + a+2d, ये सारे क्या है, +a+3d, ये सारे क्या है, ये एपी के टर्म है a+n-1 × d। तो इस सारे टर्म को सम करने के लिए एक फॉर्मूला है, SN = n/2 × 2a+n-1 × d। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जानते हो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें एपी के टर्म को ऐड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a+n-1 × d। और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहे तो क्या होगा, SN = अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी nth टर्म या जो भी हो लास्ट टर्म अगर हमें पता हो तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, n/2 a+an, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे a क्या शो कर रहा है, a शो कर रहा है फर्स्ट टर्म और an क्या शो कर रहा है लास्ट टर्म। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो n/2 a+an, यानी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो है सो हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है सम ऑफ n टर्म्स का, जो है ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके दो फॉर्मूला है, आप दोनों फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला में क्या होगा, पहले हमें nth टर्म निकालना होगा, और इस फॉर्मूला में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। अब हमारा एपी क्या है, 8, 3, -2, और यहाँ पे कितने तक करना है, 22 टर्म तक जो है हमको ऐड करना है। यानी कहने का मतलब है कि 8, 3 + -2 + अब इसके बाद देख लो कितना आएगा, ये आपका d कितना है इसका, -5, तो यानी -7 आ जाएगा। तो यानी कहने का है कि 22 टर्म तक इसको ऐड करना है। तो इसमें हमें जो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, a कितना है 8, और हमारा d कितना है, हमारा d कितना है, d है आपको 3 - 8 - 5। ठीक है, अब देखो Sn का एक फॉर्मूला तो पता है आपको, n/2 × 2a+n-1 × d। ठीक है, अब n/2 how much, n कितना है, n है हमारा 22/2 × 2a, a कितना है 8 + n-1 × d, d हो how much d -5। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 + 16 + how much, ये हो जाएगा आपको -105, क्योंकि ये 21 हो जाएगा, 21 × 5, तो ये कितना हो जाएगा -11 × -89, तो ये 89। यानी -979 ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका, जो ये जो एपी है इसमें 12th टर्म तक का सम कितना हो जाएगा, -979। ये फॉर्मूला तक कर लिए, इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। दूसरे मेथड से कैसे निकालोगे, आपका जो है सो कितना कह रहा है, 22th टर्म कह रहा है, यानी पहले आप जो है सो ये 22 निकालो, a 22 क्या होगा, a+91d, a की वैल्यू हमारा कितना है 8, और 21 × d, d how much -5, ये हो जाएगा आपको a plus
माइनस 105 ये आपको 97, हाँ यानी ये हो गया आपको माइनस 97, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया LH टर्म AN। अब हम सम का फॉर्मूला जानते हैं, SN इज इक्वल्स टू N बाय 2 A प्लस AN, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। N की वैल्यू कितनी है 22 इनटू A की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे माइनस 97 आ गया, लास्ट टर्म जो है हमारा माइनस 97 आ गया, ये कितना हो गया 11 इनटू हाउ मच, ये हो गया आपको 89, ये हो गया आपको 979, ये भी आंसर। आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहां तक हमने देखा है कि एनएच टर्म क्या होता है, जी क्या होता है, सम ऑफ एनएच टर्म क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर के थ्योरी में बस इतना ही चीज है, कभी कभी क्या आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, कभी एन पूछ देगा, बस इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। तो अब इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो सो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।